तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के चलते सारे जिम इंडिया के क्लोज हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में हमें फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसीलिए आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं होम वर्कआउट, जिसमें हम परफॉर्म करेंगे चेस्ट एंड ट्राइसेप वर्कआउट। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा वार्म अप से। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको वार्म अप कर लेना है, ताकि हमारे जो शोल्डर जॉइंट है वो ठीक से वार्म हो जाए, और जो शोल्डर मोबिलिटी हो वो एकदम ठीक से हो, और इंजरी के चांसेस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वार्म अप करना है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज से, जो कि है पुशअप। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 4 सेट परफॉर्म करेंगे, और हर एक सेट के 15 से 20 रैप होंगे। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में करना है, और यहाँ पे टारगेटेड जो मसल होगा वो हमारा ओवरऑल चेस्ट होगा, जिसमें हमारा लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट, और हमारा जो पेक्टोरियल मेजर और माइनर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं फुल इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, और बहुत ही स्लो मोशन मैं कर रहा हूँ। तो यानी कि मेरा जो रेंज ऑफ मोशन है वो बिल्कुल स्लो है, और बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके आपको परफॉर्म करना है। तो दोस्तों, अब मूव करेंगे हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारा है डिक्लाइन पुशअप। तो दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे देख सकते हैं चेयर ले रहा हूँ, और यहाँ पे आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं, और हर एक सेट में अगेन 15 से 20 रैप परफॉर्म करने हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में करना है, और यहाँ पे आपका जो टारगेटेड मसल होगा, जो प्राइमरी टारगेटेड मसल आपका लोअर चेस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे लोअर चेस्ट आपका टारगेटेड मसल है, और आपको बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में और बिल्कुल स्लो रेंज ऑफ मोशन में लगाना है। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि है इनक्लाइन पुशअप। तो यहाँ पे मैंने देख जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 2 चेयर लिया है, जिसको मैंने दीवार पे फिक्स किया है, ताकि ये हिले डुले ना। तो दोस्तों, यहाँ पे अगेन आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं, और जिस हर एक सेट के 15 से 20 रैप होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में और स्लो रेंज ऑफ मोशन में आपको लगाना है, और आप यहाँ पे रैप परफॉर्म करते समय मसल और माइंड का कनेक्शन जरूर रखें। तो आप अगर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो आपको ब्रीथ इन करना है, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो आपको ब्रीथ आउट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अगेन 4 सेट परफॉर्म करने हैं। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है सिंगल हैंड क्रॉसओवर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वाटर बॉटल का इस्तेमाल किया है, जो कि एक कोक का बॉटल है, और यहाँ पे मैं 4 सेट परफॉर्म करूँगा, और यहाँ पे जो टारगेटेड मसल जो होगा वो होगा हमारा अपर चेस्ट। तो दोस्तों, देख सकते हैं आपको, आप यहाँ पे बिल्कुल आपको माइंड को अपने मसल के साथ कनेक्ट करके रखना है, और आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं, जिसमें पर हर एक सेट में 15 से 20 रैप होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सुपर सेट, जिसमें हम चेस्ट प्रेस करेंगे, और यहाँ पे मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो वाटर गैलन है 5 लीटर की, वो मैंने लिया है, और यहाँ पे हम 4 सेट परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं यहाँ पे सिंपल चेस्ट प्रेस परफॉर्म करूँगा, उसके बाद मैं अपने जो ग्रिप है, जो उसको क्लोज कर दूंगा, और फिर दोबारा से 15 से 20 रैप परफॉर्म करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है ट्राइसेप्स की, जिसमें हम लगाएंगे डायमंड पुशअप्स और यहाँ पे हम 4 सेट परफॉर्म करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये एक ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है और आपको बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में लगाना है और यहाँ पे आपको 10 से 15 रैप के बीच में परफॉर्म करना है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे ट्राइसेप्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है किक बैक। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक वाटर बॉटल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे 4 सेट परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे जो रैप रेंजेस होगी वो है 10 से 15 होंगी। तो दोस्तों आप ज़्यादा भी रैप परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में, और आप अगर स्लो रेंज ऑफ मोशन में करेंगे तो आपको 10 से 15 रैप में आपको फेलियर मिल जाएगा। तो बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में करना है और ठीक से करना है। तो दोस्तों हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जो कि है डायमंड पुशअप और उसी के साथ हम सुपर सेट परफॉर्म करेंगे बेंच डिप्स और 4 सेट परफॉर्म करेंगे जिसमें हमारी रैप रेंजेस जो होंगी वो 10 से 15 होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मेरा जो डायमंड पुशअप्स है वो ख़त्म होता है, उसी के साथ साथ मैं सुपर सेट परफॉर्म करूँगा बेंच डिप्स जो कि एक अगेन ट्राइसेप्स की वर्कआउट है। और यहीं इसी के साथ हमारा जो वर्कआउट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आप ये वर्कआउट ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कआउट के साथ।